एवरीवन और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कैंडिडेट्स के लिए जो स्पेशल सर्वे मील में अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं 2 दिनों से। मुझे नहीं पता आप क्यों इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कैमरे के सामने जब आप लाइव आते हैं सर के सामने। इवन सर भी सामने से बोल रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटी ना करें और आपके वजह से आपके बैकग्राउंड को बोला जा रहा है सर के थ्रू, जो कि सर का भी कहना सही है। सर इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू भी, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू सारा कुछ करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी सर पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ना ही ड्रेसिंग सेंस मेंटेन कर रहे हैं, इवन अपनी पर्सनल एक्टिविटी को भी ख्याल नहीं करते हैं, उसका धज्जिया उड़ाते हैं और जो मन में आता है कैमरे के सामने करते हैं, जो कि काफ़ी सोचने वाली और शर्मनाक बात है। आप खुद एक इंजीनियर से आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरी और दूसरा पर्सन आपकी रिस्पेक्ट किस तरह करेगा। सिंपल सी बात है, आपके अंदर खुद में अपने आप को लेकर रिस्पेक्ट होगा तो ऑब्वियसली अगला बंदा भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद अपने रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाएंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे कि मैं क्या हूँ, हु आई एम, तो आपका इज्जत कोई नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, तो अपने आप को समझिए, आप एक इंजीनियर हैं और अभी सिचुएशन में इंजीनियर की क्या वैल्यू है आपको सारे लोगों को पता है कि जॉब नहीं मिल पा रही, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है और यहाँ पर जॉब मिल भी रहा आप लोग को तो आप लोग अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और चाहते हैं कि जॉब ना मिले और आपकी वैसे दूसरे लोग को भी यहाँ पे अफेक्टेड होना पड़ सकता है इन फ्यूचर में। तो सर भी सामने से बोल रहे हैं कि अपनी एक्टिविटी को ख्याल करें और अच्छे से पेश आए सर के सामने, इवन नहीं तो कम से कम एक सिंपल वे में रहें और ड्रेसिंग सेंस सिंपल भी रखें। अब जो कैजुअल ड्रेस होता है जो हम लोग घर पे पहनते हैं उसको अवॉइड करें। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि गर्मी है तो हम लोग इस तरह की क्लोथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो क्या आप काम करने जाएंगे तो वहाँ भी गर्मी होगी तो क्या वहाँ पर आप बिना कपड़े के काम करेंगे? सोचने वाली बात है, ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है, तो इस तरह एक्टिविटी ना करें। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब चीज़ें अवॉइड करें। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग को पता ही होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एबसेंट हुए हैं पर यू नो अपनी जो वहाँ पे हाजिरी बनाने वक्त में सही से नहीं फिलअप किए हैं, सारा कुछ को स्टेप्स को फॉलो नहीं किए हैं और उनका अटेंडेंस नहीं बन पाया है। ये भी चीज़ सोचने वाली बात है कि बहुत सारे यहाँ पे सर जो है खुद ऑनलाइन सब कुछ बताएं, यहाँ पे मैं खुद बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ किस तरह अटेंडेंस बनाना है। इवन सर आज मॉर्निंग में आई थिंक एक वीडियो भी आई थी जिसमें अटेंडेंस को लेकर वीडियो थी, क्लिप थी कि आपको इस तरह अटेंडेंस बनाना है, फिर भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करें अटेंडेंस बनाने में। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि 100% में 2% लोग से गलतियाँ होती हैं, मैं टेक्निकल फॉल्ट के कारण हो, इंटरनेट के कारण हो, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग से गलतियाँ हो रही है, थोड़ा इसका केयर करें। आपके ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए, उनसे पूछ लें, अपने दोस्तों से पूछ लें और उसके बाद अटेंडेंस बनाएं। जल्दबाजी में अटेंडेंस गलत ना करें आप लोग, इसका ख्याल करें। अटेंडेंस आप फर्स्ट क्लास में 1:55 से पहले बना सकते हैं, सेकंड क्लास में आई थिंक 4:25 से पहले बना सकते हैं। तो पहले 10 मिनट आराम से अटेंडेंस बना ले, उसके बाद 5 मिनट लेट भी आएंगे लाइव स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप फुली वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो अपने भाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं इससे कि आप देता रहता हूँ अपडेट, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए जिस तरह मैं आप लोग हेल्प कर पा रहा हूँ भाई ऑनलाइन। आप लोग भी किसी की हेल्प करें तो होपफुली कि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लगेगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चीज़ होगा इसमें अपने चैनल पे एजुकेशन से जुड़ा हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इंजीनियर्स के सेक्टर को लेकर, कॉमन सेक्टर को लेकर, आप 10th से 12th को लेकर सारे कुछ, मैं एजुकेशन में जो चीज़ होती है मैं सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्यूचर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, विश यू वेल, स्टे होम एंड टेक केयर।